SBS News, सच का साथी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में दिया गया धरना। ये धरना आंगनबाड़ियों द्वारा किया गया योगी सरकार को निशाना साधते हुए योगी सरकार वादा निभाओ रैली का किया गया आयोजन। मेरा नाम शशिवाला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और पंजीकृत संख्या 94 उसकी प्रदेश महासचिव। किस लिए यहाँ पे धरना दे रही हैं? हमारा जो योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन चल रहा है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और योगी सरकार ने अभी 7 जून को हमारे साथ वार्ता भी हुई थी जिसमें हमारा संगठन भी शामिल था कि आंगनबाड़ी का तत्काल मानदेय दुगना होकर उसका शासन आदेश तुरंत लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका शासन आदेश जारी नहीं हुआ। इसीलिए हमने बार बार योगी सरकार को याद दिलाया। अभी 30 जुलाई को प्रदेशव्यापी हमारा पोस्ट कार्ड अभियान था जो मोदी सरकार को पोस्ट कार्ड लिखा था, योगी सरकार को पोस्ट कार्ड लिखा था मांगों के संबंध में। उसके बाद 31 अगस्त को हमारा प्रदेशव्यापी धरना था एक दिवसीय, उसके माध्यम से भी हमने योगी सरकार को याद दिलाया कि जो आपने वादा किया है और जो 7 जून को भी वादा किया वो तत्काल पूरा किया जाए। चुनाव पूर्ण भी वादे उन्होंने तमाम किए थे कि आंगनबाड़ी की तस्वीर बदल देंगे यदि हमारी सरकार आती है, और बार बार वादा करने के बाद भी योगी सरकार हमारी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और हमें बहुत उम्मीद थी अभी योगी सरकार से कि पूर्ण बहुमत से ये सरकार आई है तो हमारी बहनों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय दुगना होने की बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अपने भाषण में जगह जगह, लेकिन अभी तक उसका घोषणा करके शासन आदेश जारी नहीं कर रहे। इसी के लिए हमारा ICDS के 43वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर से हमने लोग ये 2 दिन का धरना शुरू किया है, कल तक हमारा धरना चलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुने और तत्काल हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आपको क्या लगता है मांगे आपकी पूरी होंगी? हम उम्मीद तो लेकर आए हैं कि मांग पूरी होनी चाहिए, नहीं होगी तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा सर। अभी तक मैं ये बात बता रही हूँ, हमने 2010 में जबकि मायावती की सरकार थी तो उस समय आंगनबाड़ी की धरने प्रदर्शन पर उन्होंने रोक लगाई थी, सभी संगठनों को ये लेटर भेज दिया था कि कोई भी लखनऊ में यदि धरना प्रदर्शन करने के लिए आएगा तो उसकी तत्काल सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस स्थिति में हम लोगों ने संडे में 9 अक्टूबर दिन रविवार 2010 में जब मायावती की गवर्नमेंट थी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास घेरने का चैलेंज करा था उन्हें और तमाम पोस्टर छापे उसके ओके हम मायावती जी का आवास घेरेंगे मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उन्होंने काफ़ी फोर्स लगा दी हमारी और काफ़ी बड़ी संख्या में बहनें हमारी आई हुई थी रेलवे स्टेशन में, तमाम फोर्स और आंगनबाड़ी नज़र आ रही थी, उन्होंने उससे बाहर नहीं निकलने दिया और उन्हें मजबूर होना पड़ा हमारी बात के लिए। वहीं हमने ऐलान किया था कि बहन जी ऐसा है आप महिला हैं, महिला के दुख दर्द को समझो कि महिलाओं का दुख दर्द क्या होता है, ये इतने कम मानदेय में और जबकि ये सबसे कम मानदेय जो है हमारे यूपी सरकार दे रही है तो ये बड़े दुख की बात है। एक महिला होकर महिला के दर्द को समझना चाहिए और यदि आप हम लोगों के दर्द को नहीं समझोगी तो इस कुर्सी की शक्ल नहीं देख पाओगी। ये हमारे पास आज भी हमारी बहनें इस बात की गवाह हैं। अगर मांगे पूरी ना हुई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन तो ये बराबर चल रहा है, 1.5 साल हो गया, हमारा आंदोलन और तीव्र रूप धारण करेगा।